और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। कहने को तो देहरादून को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू अपने पैर पसारता नजर आ रहा है, जिसका जिम्मा कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी पर थोपा जा रहा है। स्मार्ट सिटी के कार्य तमाम हिस्सों में चल रहे हैं, लेकिन समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण स्मार्ट सिटी के कार्य की वजह से सड़कों में गलियों में गड्ढे हो रखे हैं, जिसके कारण उन गड्ढों में बारिश का पानी जमा हो चुका है, जिससे लगातार डेंगू का लावा मिल रहा है और मच्छर भी पैदा हो रहे हैं, जिससे डेंगू का खतरा और भी बढ़ता जा रहा है, लोग भी इससे बीमार हो रहे हैं। वहीं नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में धीमी गति होने के कारण जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ जल्द ही बैठक कर इसका समाधान निकाला जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन लगातार उनके अधिकारियों के साथ भी बैठक हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में भी मैंने भी उनको एक पत्र दिया था। माननीय हमारे जो इस क्षेत्र के विधायक हैं खजान दास जी, उन्होंने भी लगातार, और माननीय मंत्री जी भी इस स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर चिंतित हैं, और हम भी लगातार जो है जो अधिकारी हैं, लेकिन बरसात की वजह से, जैसे ही अब ये बरसात खत्म होगी तो हमारा लक्ष्य है कि नवम्बर तक ये सारे काम कम्प्लीट हो जाएँ, जो खुदाई वाले हैं, सड़क वाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम है। आजकल जो है नगर निगम के द्वारा एक और अभियान चल रहा है कि जो ये केबिल है जो